Yes, very good morning, student. I am again coming to discuss very important topics from social science. Yes, so today we are discussing here an important topic. Look at the report, shape of the earth. In the last class, we have discussed about our earth in place in our solar system. एंड टूडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ. तो कई बार जहन में स्टूडेंट्स ये सवाल आता है कि जो अर्थ है वो दिखने में है कैसी, तो उसी चीज़ के ऊपर आज हम बात करेंगे. सो आई एम हेयर राइटिंग द ऑल द करेक्ट शेप्स ऑफ द अर्थ. जो किताबों में सही आकृति पृथ्वी की लिखी हुई है उन सभी आकृतियों को मैं यहाँ लिख रहा हूँ. ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या है, फर्स्ट यानी कि क्वेश्चन अगर अपन देखें कि व्हाट इज द परफेक्ट शेप ऑफ द अर्थ. अगर ये सवाल कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है और ये जनरली एक सिक्स क्लास का सोशल साइंस का सवाल है, ज्योग्राफी का, और यही बड़े लेवल पे भी पूछा जाता है. तो इसी को आज डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा डिटेल में लेंगे, ध्यान से सुनना. सबसे पहले करेक्ट शेप में लिख रहा हूं जियो, करेक्ट से. सेकंड वन इलिप्सॉइड, थर्ड से ऑब्लेट स्फेरॉइड, फोर्थ से नियर टू स्फीयर. तो बात करते हैं यहां पर, आप देख रहे हैं ये सभी सारी ही सही आकृतियां हैं. इनमें हम कह नहीं सकते कि इनमें से दी गई कोई भी आकृति गलत है, यानी कि कोई भी शेप अर्थ के रिजेंबल नहीं करती है. एक शेप और लिख देता हूं मैं यहां पर, आपको उसके बारे में भी बताएंगे, ग्लोबलॉइड. एक शेप और लिख देते, तो ओवरऑल अगर एक इनसे कंक्लूजन निकाले तो ये क्या है, शेप्स आर वेरी नियर टू स्फीयर. ये सभी स्फीयर के नजदीक है. तो क्या नहीं है अर्थ, अर्थ क्या नहीं है, अर्थ इज नॉट क्या नहीं है, फ्लैट नहीं, सर्कुलर नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है. क्या है, इट इज वेरी नियर टू स्फीयर, ये स्फीयर के जैसा है. तो अब ये लिखी गई जो आकृतियां हैं इन सब पे अपन बात करेंगे बारी बारी से, सरसरी तौर से इन पे देखेंगे क्या इनका रीजन है, क्यों इनका नाम ऐसा रखा गया. तो सबसे पहले मैं बात करता हूं फिफ्थ टॉपिक से आपका, जो लिखा गया है ग्लोबलॉइड, यानी कि द शेप ऑफ द अर्थ इज वेरी नियर टू ग्लोब. और कल भी हमने क्लास में आपको बताया था कि द मॉडल ऑफ द अर्थ इज नोन एज ग्लोब. तो अर्थ का मॉडल क्या कहलाता है, अर्थ का मॉडल कहलाता है ग्लोब कहलाता है. तो पृथ्वी का वास्तविक नमूना क्या है, ग्लोब है. आप ये देख पा रहे, बड़ा छोटा है पर दिखाने के लिए काफी है कि दिस द मॉडल ऑफ द अर्थ, ये पृथ्वी का नमूना है. तो ग्लोब इस तरीके का है, आप इसको देख पा रहे, तो दिस द मॉडल ऑफ द अर्थ. तो ग्लोब के जैसा होने के कारण इसको क्या कह दिया गया, इट इज नोन एज ग्लोबलॉइड कह दिया गया. क्लियर. अगला यहां बात करते हैं, सेकंड पॉइंट को ले रहे हैं, इलिप्सॉइड क्यों कहा गया है इसको. इलिप्सॉइड इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि जब अर्थ की फॉर्मेशन हो रही थी, अगर अपन बात करें सभी सेलेस्टियल बॉडीज हैं तो वो अपने मिल्की वे में किस तरीके से किस भांति घूम रही है, वो एक इलिप्टिकल पाथवे में घूम रही है. हिंदी में बात करें तो उसको दीर्घवृत्ताकार पथ कहा जाता है. तो ये इलिप्टिकल इलिप्सॉइड उसी रास्ते में, मतलब एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से कुम्हार जो होता है, पोट मेकर होता है, जब वो चाक को चलाता है तो जिस रफ्तार से चलाएगा, जिस एंगुलर वेलोसिटी से, और उसके ऊपर जो मिट्टी रखी रहती है उस रफ्तार से, जिस रफ्तार में वो घूमेगा उसी तरीके से उसकी शेप बनती चली जाएगी. तो अर्थ की जब फॉर्मेशन हुई थी, ओरिजिन हुआ था, तो वह जिस तरीके से एक बहुत सारा मटेरियल था
वो जिस तरीके से घूमा और जिस रफ्तार से घूमा, उस रफ्तार से घूमने के बाद जब ठंडा हुआ और ठंडे होने के बाद उसकी जो शेप निकल कर आई, वो कैसी शेप निकल के आई, वो एलिप्सॉइड शेप निकल कर आई। इसीलिए कई जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो इलिप्टिकल पाथवे में होती है। इसके बारे में एक नेक्स्ट आगे चैप्टर भी लेंगे, आप पढ़ेंगे कि अभी आपने पढ़ा था सुपर मून के बारे में पढ़ा था, क्योंकि उस समय मून बड़ा नज़दीक था, नियर टू द अर्थ था, तो 14% क्या हुआ उसका जो एरिया था, उसका विजिबिलिटी थी, वो बड़े नज़दीक नजर आई थी, ठीक है, जिसको हम ज्योग्राफिकल टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं, पेरिजी कहते हैं। इसके ऊपर फर्दर बाद में डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं एलिप्सॉइड क्लियर हुआ। इसके बाद एक ऑब्लेट स्फेरॉइड, मतलब स्फेरिकल है, स्फेरिकल है, स्फेरिकल क्या है, एक शेप है, ज्योमेट्रिकल शेप है, आपने ज्योमेट्री पढ़ा है ज्योमेट्रिकल शेप में। तो इसकी शेप जो है वो क्या है, आप अगर देखें तो यू ऑल नो क्या है, ऑरेंज है। यानी कि अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ इज वेरी रिजेंबल टू विच ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की अगर बात करते हैं तो द ऑब्जेक्ट इज किस ऑब्जेक्ट से मिलता है, ऑरेंज से बड़ा रिजेंबल करता है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऑब्लेट स्फेरॉइड का मतलब है कि वो टेपर फ्रॉम द बॉट टॉप्स, ऊपर के दोनों किनारों से क्या है, दबा हुआ है, ठीक है, दोनों किनारों से क्या होगा, दबा हुआ होगा, और इस तरीके की जो शेप होगी वो क्या है, अर्थ की परफेक्ट शेप होगी। तो ये आप दोनों तरफ से दबा हुआ है, दैट्स व्हाई ऑब्लेट स्फेरॉइड इसको कहा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, मतलब अर्थ कैसा नहीं है अगर आप पर बात करें तो, दिस इज बास्केटबॉल, और बास्केटबॉल की बात करें तो ये नहीं है, यहाँ टैपर नहीं दिख रहा है आपको, सर्कुलर शेप में है पर टैपर नहीं है दोनों एंड से, जो अपने ऑरेंज में अपन ने देखा कि वो टैपर है वहां पर। तो अर्थ क्या है, अपने बोथ एंड से, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के एंड से क्या हुआ है, दबा हुआ है। तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ऑब्लेट स्फेरॉइड इसको कहा जाता है। इसके बाद परफेक्ट की तरफ बिल्कुल चलते हैं, जो कि कई एग्जाम्स में जिसको बिल्कुल टॉप पे रखा जाता है, एक स्पेशल नाम दे दिया गया है टर्मोलॉजी, ज्योग्राफिकल टर्मोलॉजी में, जिसको हिंदी में, इंग्लिश में जियोड कहते हैं और हिंदी में उसको कोलाब कहते हैं। तो बात करते हैं, यहाँ एक डेफिनेशन मैंने लिखी है, नेशनल बुक ट्रस्ट की बुक है, एक डिक्शनरी है, ज्योग्राफी की बड़ी रेफर्ड डिक्शनरी है, जहाँ से इस डेफिनेशन को मैंने नोट डाउन किया है, आप इसको लर्न कर सकते हैं, देख पा रहे हैं, मैं पढ़कर बता देता हूँ। ए मॉडल ऑफ द फिगर ऑफ द अर्थ दैट कंसाइड्स विद द मीन सी लेवल ओवर द ओशन एंड द कॉन्टिन्यूअस इन कॉन्टिनेंटल रीजंस एज एन इमेजिनरी सी लेवल सरफेस डिफाइंड बाय स्ट्रिप लेवल। ए जियोड इज परपेंडिकुलर टू ऑल पॉइंट्स टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन एंड अप्रोचेस द शेप ऑफ रेगुलर ऑब्लेट स्फेरॉइड, अभी इसकी बात की थी हमने। हाउएवर इट इज इरेगुलर बिकॉज ऑफ बरिड मास कंसंट्रेशन एंड एलिवेशन डिफरेंसेस बिटवीन सी फ्लोर एंड कॉन्टिनेंट्स। तो यहाँ पर मैं आपको इसका सबसे एक जिस्ट समरी बता देता हूँ कि जियोड क्या है, ये जियोड की परफेक्ट डेफिनेशन है, ये जियोड की परफेक्ट डेफिनेशन है, जिसको आप लर्न कर सकते हैं कि जियोड जैसे ज्योमेट्री अगर हम पढ़ते हैं तो हर चीज की एक शेप है, ट्राइंगल का अपनी प्रॉपर्टीज है, रेक्टेंगल की अपनी प्रॉपर्टी, स्क्वायर की अपनी प्रॉपर्टी, तो अर्थ की जो शेप है तो उसकी भी अपनी एक प्रॉपर्टीज है, और उसके लिए एक परफेक्ट शेप को बनाया गया, और वही जो टर्म है वो क्या कहलाता है, जियोड कहलाता है। यहाँ पर एक थोड़े टिपिकल टर्म्स है जिनको मैं बता देता हूँ कि एक थ्री डायमेंशनल मॉडल है, क्योंकि अर्थ के मॉडल को इस तरीके से नहीं बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अर्थ कल भी पढ़ा था अपने, अर्थ कंसिस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। तो कॉन्टिनेंट ओशंस को अगर आप देखते हैं तो उसमें क्या देखने को मिलता है आपको, कि देयर इज ए वेरिएशन इन देयर एलिवेशन, उनमें अंतर देखने को मिलता है, क्योंकि जो ओशंस में डेप्थ अलग है और कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो एलिवेशन हाइट अलग अलग है, तो उसमें वेरिएशन मिलता है। उस वेरिएशन को अगर हम देखें तो एक थ्री डायमेंशनली उसको अरेंज करने की मीन सी लेवल से, मीन सी लेवल से, और एक इंस्ट्रूमेंट का नाम यहाँ बताया गया स्प्रिट लेवल की मदद से, उसको लेवलिंग करके मीन सी लेवल से, यानी कि औसत समुद्र तल से उन स्थानों की ऊंचाई अगर निकाली जाए तो ऐसे ही ओशन फ्लोर की और कॉन्टिनेंटल रेज
इन दोनों को कैलकुलेट करके एक मॉडल बनाया जाए, थ्री डायमेंशनल मॉडल, तो वो मॉडल क्या कहलाएगा? वो मॉडल परफेक्ट शेप होगा अर्थ का, परफेक्ट रिजेंबल शेप होगा अर्थ का, दैट इज नोन एज जियोड कहेंगे उसको। सो यहाँ पर आज हमने अर्थ की शेप के बारे में डिस्कस किया और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में इस पर पूछा जाता है। तो एक बार फिर देख लेते हैं कि व्हाट इज द परफेक्ट शेप ऑफ द अर्थ, याद रहेगा आपको, दिस ऑल आर करेक्ट शेप्स, जियोड इज ए करेक्ट शेप, ऑब्लेट स्फेरॉइड इज ऑल्सो करेक्ट शेप, ग्लोबलॉइड इज ए करेक्ट शेप, एंड दिस ऑल शेप्स आर वेरी नियर टू स्फीयर। सो साथ जुड़े रहिए। हाँ, एक चीज आपको बताना चाहूंगा, इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मैं आपके लिए नए नए टॉपिक्स लेके आ रहा हूँ और कहीं ऐसी कमी छोड़ेंगे नहीं जो आपको पसंद ना आए। ठीक है, इसी के साथ माँ भारती को नमन, जय हिंद, नमस्कार, फिर मिलेंगे आपके साथ।